वक्त भी हमें आवाज़ देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम मोदी का चेहरा जो है दुनिया को बेनकाब करेंगे। हम पाकिस्तानी अफवाज के साथ शाना बशाना लड़ने के लिए भी तैयार है, जान देने के लिए भी तैयार है। पाकिस्तान बनाने के लिए भी हमने कोशिश की थी, पाकिस्तान बचाने के लिए भी कोशिश किया, अब कश्मीर लेने के लिए इंशाअल्लाह ताला मौजूदा कश्मीर पे भी इंशाअल्लाह जो है अगर जिस वक्त भी हमें आवाज़ दी जाएगी हम पूरी कौम जो है अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अच्छा, पूरी कराची से लोग हम देख रहे हैं आप लोगों के साथ यहाँ पर आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं और इस एहतजाज को सिर्फ 5 अगस्त और या 5 फरवरी तक ही क्यों पूरे साल होना चाहिए? नहीं, ये एहतजाज देखें ना, हम तो बिल्कुल हमेशा करने के लिए तैयार हैं। देखें, जब से हमें जो है 1971 के बाद से जो हमारे मामलात थे, जो हमारे NRC के प्रॉब्लम थे, उसके हवाले से पिछले हफ्ते भी हमने एक प्रोग्राम किया था जो अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोग इसी प्रेस क्लब में मौजूद थे। फिर इंशाल्लाह आने वाला महीने के बाद अल्लाह ने चाहा लाखों का इंशाल्लाह प्रोग्राम भी होगा। ये तो इंशाल्लाह शुरू है, इब्तिदा है, लेकिन हमें ये आज यकीन दिलाना था। शायद हमारे लोगों को यकीन नहीं है, पाकिस्तान में बसने वाले लोग वो जो है ना सिर्फ अपना सोचते हैं, ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। हमने हमेशा पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी है, आज भी देने के लिए तैयार है। आज यहाँ हज़ारों लोगों का मजमा इस बात को साबित करता है कि हम पाकिस्तान के लिए हमेशा जो है पाकिस्तान के लिए जो है ना हमें कुर्बानियाँ देते रहे हैं और हमेशा देते रहेंगे। और हमारी कौम हर वक्त तैयार है, पाक अफवाज या जो है पाकिस्तान हमें आवाज़ दे। और मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, आर्मी चीफ और ISI चीफ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा जो ज़्यादती और जो जुल्म हो रहा है मकबूजा कश्मीर में, 2 साल से लॉकडाउन लगी हुई है, उसमें आप हमें आप तने तना ना समझें। अगर आप 15-20 लाख अफवाज हैं तो 50 लाख अफवाज, ये अफवाज पाकिस्तानी बंगाली बहनें, माएँ, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, ये सब आपके लिए, वतन के लिए कट मरेंगे, इंशाल्लाह ताला कहीं पीछे नहीं हटेंगे। आओ,